जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे साथ ही योगी ने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी सबके सामने आया है कांग्रेस दलितों गुर्जरों बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर उनके साथ अन्याय करने के एनसी के फैसले का समर्थन करती है अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 ए को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगावादी ताकतों का समर्थन करती है क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद दहशतगर्दी गर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है